तो हाई एवरीवान वेलकम टू बाई लाइब्रेरी लेट स्टार्ट विथ टुडे इज़ योर बाई केमिस्ट्री टारगेट्स दे वर सपोज टू कम येस्टडे इवनिंग बट आई वॉज बिजी देर फॉर आई डिसाइडेड टू गिव दैम टूडे ओनली ओके एनी वे आपका जो टारगेट है दैट इज़ फॉर टुडे तो आपको ये टारगेट्स जो है वो आज ही कम्प्लीट करने थे तो कोशिश करते हैं पहले सबसे पहले मिसलिनियस बायोकेमिस्ट्री एस टू ऑल द टॉपिक्स राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स यू ऑल नो ये तो आप आंख बंद करके भी बता दोगे कि एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स में स्पेशली द प्लॉट पार्ट जिसमें डबल रेसिप्रोकल में लाइन व्यूअर बुर्क एक बार उसकी उसके बारे में आपको देखना है प्लस यू शुड नो कि डिफरेंट uh, डिफरेंट जो इनिबिशन होते हैं उनके जो ग्राफ्स हैं उनमें पिक्यूलियर डिफरेंसेस क्या है ठीक है मे बी मैच करने को आ जाए मे बी आउट ऑफ दोज ग्राफ आपको तीन एलिमिनेट करने पड़े तो वो ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन काब्ज विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड्स ये कोई एग्जाम आप मुझे बता दो बी इट एनी एग्जाम आफ्टर योर मास्टर्स जो पी एच डी के लिए होता है जिसमें आपको बॉन्ड्स नहीं पूछे जाते तो बॉन्ड्स आर वन एंड फॉर ऑल ये इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के लिए है राइट right? तो काब्स विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्स एंड देन डिफरेंस बिटवीन आर एन ए एंड डी एन ए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ पहला एल्कलीकेटेलाइज्ड क्लीवेज ठीक है जिसमें टू प्राइम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से होता है जो होता है एंड सेकेंड वन इज बेसिकली और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि जो मेजर डिफरेंस है आर एन ए डि आर एन ए डी एन ए में आप ये कहोगे कि थाइमिडीन एंड यूरिडीन का भी डिफरेंस है बट दैट यू नो फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन करते हैं मास्टर्स के लेवल पे एंड देन वी कम टू योर रिड्यूजिंग एंड नॉन रिड्यूजिंग शुगर्स इसमें आप ऐड कर लो रिड्यूजिंग एंड नॉन रिड्यूज सॉरी रिड्यूजिंग एजेंट्स स्पेशली वॉट द टेस्ट वी परफॉर्म फॉर योर रिड्यूजिंग शुगर्स ठीक है एंड देन कम्स योर डबल स्टैंडर्ड डी डी की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मेशन यू शुड बी थॉरो विद इट अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बिकॉज बी ए योर सी एस आई आर बी ए योर डी बी टी और बी ए आर सी इक्वली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देन वी कम टू योर अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर एंड एक्सपैंडेड अमाइनो एसिड का पार्ट दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पी आई एन चार्ज ऑन अमाइनो एसिड अबव एंड बिलो सो इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर पी एच डी इंटरव्यूज एज वेल ठीक है तो ये इंटरव्यूज़ के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट्स अ कंसेप्ट ये बेसिकली एक लाइन में लिखा है कि पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पी के नीचे नेगेटिव चार्ज बट बेसिकली इट इज़ कमिंग फ्रॉम दी फैक्ट की एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री का राइट right? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हो जाए आपके माइनस एच की, की बेसिकली जो आप एस डी एस की तरफ गए सारी चीज़ें यहीं से स्टेम होती हैं दे आर राइज फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ओनली एंड देन बी कम डी एन एल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल डिहाइट आर एन एस फॉर्म्स नॉट इट ह्योर आई हैव इन रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल डिहाइड सो यू शुड नो की ये विद रिस्पेक्ट टू दिसरेल डी तो नहीं होता है राइट right? तो इसमें यू शुड नो कि मोस्टली माइनो एसेट्स किस कॉन्फर्मेशन में या किस कॉन्फिगरेशन में आपको मिलेंगे और आर एस में से कौन सा लाइक कॉन्फिगरेशन अडॉप्ट करना पसंद करते हैं कौन सा एक्सेप्शन है जो आर एस में पाया जाता है एंड देन विच वन इज मोर रीसेंट फॉर्म ऑफ योर लाइक क्लासीफिकेशन फॉर अ माइनो एसेट्स तो ये बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में जाननी है एंड देन वी कम टू अ माइनो एसेट्स सबसे पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जो मिस आउट हो रहा है दिस इज एन पी नॉन पोलर सो नॉन पोलर चार्ज पोलर एंड देन कम्स नॉन पोलर अनचार्ज पोलर चार्ज पोलर नेचर ऑफ आर ग्रुप के बेसिस पे बेसिकली हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे माइनोसिट्स का विच इज़ इम्पॉर्टेंट राइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने बात कर ली थी कि ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स तो कॉन्स्टेंट रहेंगे भाई तो आर ग्रुप का वेरिएशन होता है और आर ग्रुप की वेरिएशन सारी हमें पता होनी चाहिए जिसमें कि एलिफैटिक, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंटेनिंग सल्फर इमीनो जिसमें कि सिर्फ प्रोलिन राइट अमीनो एंड योर अमाइड राइट लूटामिन और एस्पैरजीन फिर आते हैं कुछ नॉन स्टैंडर्ड माइनो एसिड्स में तो ऑर्नीथीन सेट्रोलिन एजासेरिन सिलेनोसटीन पिरोलाइसिन आ स्टैंडर्ड आई रिटर्न ह्योर ओनली बिकॉज वो एक्सेप्शनल स्टॉप कोडाउन से आते हैं इसलिए and then also you can read its part that is incorporation of your selenocysteine uh, जब आपका protein synthesis हो रहा होता है from molecular okay तो चाहो तो आप अभी इसी के साथ integrated पढ़ लो या हो सकता है आपने इसको पढ़ लिया हो उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ modifications of amino acids equally important four hydroxyproline five hydroxylysine जब मैंने keratin पढ़ाया है तो आपको बताया है collagen पढ़ाया है तो भी आपको बताया है तो फोर हाइड्रोक्सी प्रोलिन, दैन फाइव हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीलाइसिन देन यू शुड रीड अबाउट टेस्मोसिन एन एसिटाइल सीरिन एन फॉरमाइल मेथियोनिन गामा कार्बोक्सी ग्लूटमेट विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर प्रोथोम्बिन देन ग्रुप्स प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड, दिस यू शुड ऑल्सो नो एज टू दे फंक्शनल ग्रुप्स लाइक ग्रुप्स एज एन जैसे हम बोलते हैं कि हिस्ट्रीन में यू हैव इमि डरिंग राइट right? तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रेजेंट है देन पी के ए का कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ के ए राइट एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या वेरिएशन हो जाती है कब उसको पी के ए बोल देते तो कितना चेंज आ जाता है ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस का ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट था तो ये कॉन्सेप्ट आप एक बार देखना एसिड्स को प्रोटॉन डोनर बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता एंड अप्रॉक्सीमेट पी के वैल्यूज़ ऑफ़ अमीनो एसिड जिसमें कि मैं हिस्टिडीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है बफर का भी काम करता है और आपके इसकी स्लाइट सी वेरिएशन दिखेगी क्योंकि इसको ब्लड का पी एच मेनटेन करके रखना है तो आप इसके पी के पर जरूर ध्यान देना देन हाइस्ट पी के तरफ भी जाना आर्जिनिन देखना फिर लोएस्ट पी के की तरफ भी आना मतलब लोएस्ट वैल्यूज़ ऑफ योर पी आई जिस पॉइंट पे वो अपनी मोबिलिटी ज़ीरो कर देंगे पी के वैल्यूज़ देखनी है आपको और क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड में आए तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से कर सकते हो एब्जॉर्बेंस एट टू एट्टी नानोमीटर कैन बी यूज फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ योर अमाइनो एसिड्स जिसमें कि ट्रिप्टोफैन टायरोसिन एंड फिनाइल इनको आपको देखना है उसके बाद आता है अब अगर हम अमाइनो एसिड से आगे बढ़ें तो अब वो प्रोटीन बनाने की तरफ चलेगा तो प्रोटीन जब बनने वाला होता है तो सबसे पहले जब दो अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे तो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है फिर आते हैं रामाचंद्रन प्लॉट पे रामाचंद्रन प्लॉट में अलाउड डिसअलाउड अलाउड रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर है तो कहाँ फॉल करेगा पैरल है तो कहाँ फॉल करेगा एंटी पैरल है तो कहाँ फॉल करेगा मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक रामाचंद्रन प्लॉट से आप लगा सकते हो सारी चीज़ें आपको देखनी है देन बॉन्ड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी कोटर्नरी स्ट्रक्चर में जो जो बॉन्ड्स होते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि टर्चरी में आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे वीक बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहे हैं बट वीक बॉन्ड का नंबर बढ़ जा रहा है राइट तो बस इसको एक कंसेप्ट मान लिया जाता है कि शायद बच्चा ये ना सोचे कि टर्चरी स्ट्रक्चर है तो क्यों इतने वीक बॉन्ड्स ला रहे हैं ना लेकिन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मेन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको फोर्सेज मेजर फोर्सेज दिखेंगे वो हाइड्रोफोबिक देखेंगे उसके बाद बात करते हैं हम ओके विद एग्जाम्पल्स एंड देन डिफरेंस बिटवीन योर मोटिफ एंड डोमेन, देन डिनेचुरेंट्स ऑफ योर प्रोटीन सॉल्युबिलिटी एंड डिनेचुरेशन को आप एक बार लगा के साथ में पढ़ के कंपेयर करके सोच के देखना ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्हें काफ़ी बार इस सिलेबस को पढ़ा है तो थोड़ी सी इवॉल्व स्टडी करके देखना उसके बाद कोलेजिन इलास्टिन कैरेटिन मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हिमोग्लोबिन में तो विद रिस्पेक्ट टू सेचुरेशन कर्व बाकी ये फाइब्रस का जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें स्ट्रक्चर देखना है मॉलिकुलर शेपेरॉन्स शेपेरॉन्स मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आपको अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वीडियो भी देख सकते हो और फिर आते हैं हम यूबिक्विटिन पे प्रोटियासोम पे एंड देन योर निन हाइड्रीन टेस्ट निन हाइड्रीन टेस्ट का एक बात आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों है और एक बार देख लेना आपको कि क्या स्ट्रक्चर बनता है इसमें जी क्वाटरप्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड्स मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ इस क्वेश्चन को कि थर्ड बॉन्ड की यू नो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको दो बॉन्ड पता होंगे कि डबल स्टैंडर्ड जो रेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है पर उसके अलावा अगर कोई स्ट्रैंड वहाँ पे आ रहा है तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस यू शुड रीड डी ने ए की एजेंट्स की बात करें तो आपको टीएमजीसी कंटेंट आयनिक स्ट्रेंथ इस पर ध्यान रखना है एंड इन्हीं सब पे आपका मैटर करेगा कि डीएनए को कैसे मेल्ट किया जा सकता है और कितना इजीली मेल्ट किया जा सकता है अब आते हैं डीएनए की बात है तो ए टू सिक्सटी नैनोमीटर की अब्जॉर्बेंस की बात होगी डीएनए की सुपर कॉइलिंग पढ़नी है लिंकिंग नंबर पढ़ना है ई पढ़ना है ऐसे नहीं कि एक है ऐसे नहीं कि डी डिटेक्ट हो सकता है ऐसे कि सुपर कॉइलिंग में क्या रोल प्ले करता है राइट right? अगर हम इस, इसे एज एजेंट यूज़ करेंगे तो फिर हाउ योर योर डी एन ए वॉज आइडेंटिफाइड एज अ जेनेटिक मटीरियल ये क्वेश्चन माइक्रो में भी आता है माइक्रोवेल जेनेटिक्स का पार्ट भी है और प्लस आपके मॉल बायो एंड बायो केमिस्ट्री का पार्ट भी है तो आना चाहिए तो आ सकता है क्योंकि बेसिक्स बहुत बार आप छोड़ देते हो तो ग्रिफिथ के जो स्मूद और रफ स्ट्रेन के बेसिस पे थे और हर से चीज़ का एक्सपेरिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव ली लेबल करने पे था तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ डीएनए एन एज जेनेटिक मटेरियल के एक्सपेरिमेंट्स याद होने चाहिए आरएनए की बात करें तो एल्कली कैटेलाइज क्लीवेज की बात करते हैं सबसे पहले डीएनए ज़्यादा स्टेबल है बेसिक सल्यूशन में वही बात हो गई आर एन एज अ जेनेटिक मटीरियल फ्रेंकल कॉनराड एंड बी सिंगर का एक्सपेरिमेंट्स था एक्सपेरिमेंट था एन टी एम वी था क्योंकि आर एन एज अ जेनेटिक मटीरियल मिलता है आपको वायरसेस में अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे तो सबसे पहले इनाशियो मर्ज इंपॉर्टेंट है वोटा आयरल एन ए कायरल सेंटर जो मैं समझती हूँ कि आप अमाइनो एस में पढ़ा है आपने तो आप यहाँ तक वो कॉन्सेप्ट लेके आओगे एंड देन एपी मर्ज़ पायरैन फ्यूरान में नंबर ऑफ कार्बन म्यूटा रोटेशन और बेसिकली जैसे ही पायरान फ्यूरान और म्यूटा रोटेशन आता है तो हम साइक्लिक फॉर्म पर आ चुके होते हैं अब बात करते हैं लिपिड्स की तो कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन असल में बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में से डबल बॉन्ड्स किस में हैं तो अन सैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंट फिर आता है कॉन्फर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड्स यानी कि सेस है या ट्रांस है इसेंशियल फैटी एसिड्स मेल्टिंग पॉइंट्स इन फैटी एसिड्स चार्ज ऑन फॉस्फोलिपिड सेल में का भी पार्ट है सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद डबल बॉन्ड्स एक बार ये सत्ताईस कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ना इसे देख के जाना है आपको उसके बाद क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स यू शुड रिमेंबर कि एल डी एल वी एल डी एल एच डी एल में से हार्मफुल कौन सा है और क्यों हार्मफुल है एंटी ऑक्सीडेंट्स एन्जाइमेटिक एंटी ऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं जैसे कि हो गए आपके ग्लूटाथियोन पर जितने भी हम डिटॉक्सीफिकेशन में पढ़ते हैं और नॉन एंजाइमेटिक कौन से हैं राइट right? उसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है एग्जाम्पल ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जैसे सीरीन स्ट्रेज हो गया आपके जो जाइमोजेंस हो गए तो इन सब में जो एक्टिव में कैटेलिटिक सेंटर है असल में यानी कि कैटेलिटिक सेंटर पे जो आपके पास हो सकता है माइनो एसिड का डाई ऐड हो दो माइनो एसिड काम कर रहे हो या ट्राई ऐड हो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अपकमिंग क्वेश्चन के फॉर्म में तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से माइनो एसिड असल में एज अ एसिड काम कर रहे हैं और कौन सा एज अ बेस काम कर रहे हैं ठीक है इसके साथ ख़त्म करते हैं यहीं पे बायो केमिस्ट्री की के मिस के टॉपिक को इसके बाद आएगा आपके लिए न्यूमेरिकल एज वेल एज़ मैच द फॉलोइंग सो थैंक यू एवरीबडी